सो देखो, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सिंबल्स फॉर सर्किट डायग्राम, ठीक है, कि क्या क्या सिंबल्स होते हैं सर्किट डायग्राम ड्रॉ करने के लिए, है ना। चैप्टर नंबर जो 12 है आपका इलेक्ट्रिसिटी, उसके लिए। तो चलो बताता हूँ मैं आपको। सबसे जो फर्स्ट है आपका, है ना, फर्स्ट है वो है इलेक्ट्रिक सेल, ठीक है। इलेक्ट्रिक सेल अगर आपको ड्रॉ करना हो तो उसके लिए क्या सिंबल आता है, तो कुछ नहीं करना, इजीली एक एसी एक लाइन खींचना है, एक एसी लाइन और एक उससे छोटी लाइन, ठीक है, और बस बना देना है, ठीक है। और एक तरफ प्लस और एक तरफ माइनस, है ना। उसके चार्जेस आपको बताना है। देखो ऐसे आप बना सकते हैं इलेक्ट्रिक सेल, ठीक है। तो कभी आपको इलेक्ट्रिक सेल का सिंबल बनाना हो तो आप ऐसे बना सकते हैं। सेकंड है वो है बैटरी, ओके, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आपकी जो देखिएगा आपकी बुक में बहुत जगह ये बनी हुई दिखेगी, तो इसको बनाना है। तो लगभग ऐसे ही आपको बनाना है, बस इसको करना है दो तीन बार बनाना है। देखो मैं बताता हूँ कैसे, इसको 2-3 बार इसको रिपीट करना है, कि ये मैंने एक बार बनाया, फिर ठीक है, ऐसे आपको बनाना है। आपको रिपीट करते जाना है, सिर्फ इतने 2 बार रिपीट कर दो, है ना। ऐसे आपको बनाना है, ठीक है। ये सोन चलती रहेगी यहाँ पे ऐसे, फिर एक और बनेगा, फिर एक और, एक और, लेकिन आपको सिर्फ इतना ही बनाना है, ठीक है। इतना बना के आओगे तो भी आपको पूरे मार्क्स ही मिलेंगे, है ना। थर्ड जो है वो है ओपन प्लग की, ठीक है, ओपन प्लग की। तो कुछ नहीं करना आपको, ऐसे बना देना है, ठीक है, ऐसा आपको बना देना है। ये है ओपन प्लग की के लिए। इसके बाद देखो एक और है आपका, जो नेक्स्ट है वो है क्लोज्ड प्लग की, यानी कि बंद हुई प्लग की। तो उसके लिए बिल्कुल टू कॉपी ऐसा का ऐसा ही बनाना है आपको। बस देखना ज़रा सा डिफरेंस होता है इसमें, क्योंकि दो ही देखो प्लग की ही है, बस ज़रा सा डिफरेंस होता है, वो डिफरेंस होता है। इसमें एक बड़ा सा एक डॉट बना दो, ठीक है, इसमें क्या करो एक बड़ा सा डॉट बना दो, ओके। ये हो जाता है आपका क्लोज्ड प्लग की, ठीक है। इसके बाद देखो फिफ्थ जो है आपका वो है वायर जॉइनिंग, है वायर जॉइनिंग या वायर जॉइंट, वायर जॉइंट या फिर जॉइनिंग भी आ सकता है बहुत बार, ठीक है ना, वायर जॉइंट या वायर जॉइनिंग। तो इसका जो सिंबल है, कुछ नहीं करना आपको, देखो कुछ दो लाइंस को जोड़, दो लाइंस को ऐसे बना देना, ठीक है, दो लाइंस को ऐसे बना दिया, ओके। फिर यहाँ पे ना, यहाँ पे जहाँ पे दो ही लाइन मिल रही है, यहाँ पर ब्लैक ब्लैक कर दो, है ना, यहाँ पर ब्लैक ब्लैक कर दो। सो देखो ये बन गया आपका वायर जॉइंट, ओके। ऐसे आप वायर जॉइंट बना सकते हो। चलो मैं आपको अगला बताता हूँ। जो आपका नेक्स्ट है वो है इलेक्ट्रिक बल्ब का, ठीक है। तो ये भी आपको बहुत दिखेगा आपकी बुक्स में, है ना, इलेक्ट्रिक बल्ब। तो इलेक्ट्रिक बल्ब देखिए ऐसा होता है, और आपको एक 3 को जोड़ देना है, ठीक है। देखिए 3 जैसा ही है, ऐसे ही कुछ होता है, आपको ऐसे बनाना है और एक 3 को जोड़ देना है, ठीक है। ये का एक ऐसा साइन या सिंबल है इलेक्ट्रिक बल्ब का। अब अगला है रेसिस्टेंस या फिर रेसिस्टर, ठीक है, रेसिस्टेंस या फिर रेसिस्टर दोनों एक ही चीज़ होती है, ठीक है, एक जैसी होती है लगभग। सो देखो इसमें आपको कुछ नहीं, एक लाइन खींचना है ऐसे, और आपको कुछ ऐसे 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 बना देना है, ठीक है। बताया रेसिस्टेंस थोड़ा बराबर बनाना बस यहाँ पे, ठीक है, ऐसे ऐसे, है ना, ऐसे, है ना, ऐसे बराबर बनाना है आपको। ये क्या क्या होता है, रेसिस्टेंस या रेसिस्टर, ओके। इसके बाद देखो जो 8th है आपका वो है एम मीटर, ठीक है, एम मीटर। इसमें क्या करना है, तो आपको ये करना है सिर्फ एक ऐसी दो रेस, एक रे खींचना है, एक लाइन खींचनी छोटी सी, इसमें एक गोला बना देना है, ठीक है, फिर एक और लाइन खींचनी है, ठीक है, और ये गोले के अंदर लिख देना है ए, है ना, एम मीटर मतलब ए, और पॉजिटिव और नेगेटिव साइंस, ठीक है। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होते हैं प्लस माइनस के, तो ये आपको लिख देना है। इसके बाद देखो जो नेक्स्ट है आपका वो है वोल्ट मीटर, ठीक है, क्या है, वोल्ट मीटर। सो ये भी बना देना, कुछ ऐसी एक लंबी सी लाइन, एक गोला,
है ना। और ये कैसे, वी से रिप्रेजेंट करना है क्योंकि वोल्ट मीटर है, तो वी से रिप्रेजेंट करना है और प्लस माइनस साइंस। ओके देखो जो टेंथ है आपका, ठीक है टेंथ है वो है गैल्वेनोमीटर। ओके क्या है गैल्वेनोमीटर, इसमें भी कुछ नहीं करना, एक ऐसे लाइन खींचनी है, एक गोला बनाना है, फिर एक और लाइन खींचनी है और यहाँ पे लिख देना है जी और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस। ठीक है ये होता है गैल्वेनोमीटर का डायग्राम, सॉरी सिंबल है ना। इसके बाद देखो एक होता है, हमने एक पहले पढ़ा था है ना, क्या था वायर जॉइंट था है ना। ये आ सकता है वायर क्रॉस विथाउट जॉइनिंग, वायर क्रॉसिंग है ना, वायर क्रॉसिंग विथाउट जॉइनिंग, या फिर आ सकता है वायर विथाउट जॉइनिंग। ठीक है तो मतलब वायर क्रॉस कर रहा है बिना जॉइन के, तो कुछ नहीं इजीली। देखो जो ये वाला है ऐसे ही आपको नहीं बनाना है ना, ऐसा आपको नहीं बनाना है, आपको देखिए एक ऐसी लाइन बनाना है। ठीक है एक लाइन बना दी, फिर एक ऐसी लाइन लाना है, थोड़ी सी जगह पर रोक देना है, और नीचे से भी एक लाइन लाना है, थोड़ी सी जगह पर रोक देना है। ठीक है और आपको एक यू बना देना है, कुछ ऐसे यू, ठीक है कुछ यू बना देना आप। ठीक है यहाँ पे सो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वायर क्रॉसिंग विथाउट जॉइनिंग। ठीक है चलो अब नेक्स्ट देखते हैं है ना। तो जो ट्वेल्थ है, ट्वेल्थ जो है वो है वेरिएबल रेसिस्टेंस और रियोस्टेट। ठीक है क्या रियोस्टेट, ठीक है ये क्या है वेरिएबल रेसिस्टेंट और रियोस्टेट। सो इसमें कुछ नहीं, आपको जो रेसिस्टेंस मैंने बनाया बनाना बताया था वैसे आपको बनाना है। ठीक है तो ये देखिए हमने एक रेसिस्टेंस बना दिया। ठीक है अब इस पर कुछ नहीं, बस एक क्रॉस लगा दो। ठीक है ऐसे क्रॉस लगा दिया, ठीक है ये बन गया आपका रेसिस्टेंस, वेरिएबल रेसिस्टेंस या फिर रियोस्टेट। ओके है ना ये हो गया आपका वेरिएबल रेसिस्टेंस। अब देखो कुछ आपकी बुक में नहीं है लेकिन फिर भी आपके आपको लेकिन फिर भी कुछ ऐसे सिंबल्स हैं जो आपको पता होना चाहिए है ना, वन टू ही है बस, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो एक होता है आपका है ना स्विच ओपन, स्विच ओपन, ठीक है स्विच ओपन, स्विच ओपन। तो देखो क्या करना है आपको, दो लाइन, एक लाइन ऐसे बना देना है, ठीक है फिर कुछ जगह छोड़ के एक लाइन ऐसे बना देना है, ठीक है और इस लाइन से एक लाइन और जोड़ देना है, ठीक है कुछ ऐसे, और एक पॉइंट बना देना है। देखो बस ये बन गया आपका स्विच ओपन। ओके अब देखो जो नेक्स्ट है वो है स्विच क्लोज्ड, क्या है स्विच क्लोज्ड है ना। इसमें क्या करना है, इसमें वापस से आपको एक लाइन बनाना है, वापस से एक लाइन बनाना है, ठीक है इसके इन दोई के ऊपर एक लाइन बनाना है, ठीक है कुछ ऐसे एक लाइन बना देना आपने। ओके फिर इन दोई के पॉइंट्स को डॉट डॉट कर दो, यहाँ पे और यहाँ पे डॉट डॉट कर दिया, तो ये बन जाएगा आपका स्विच क्लोज्ड। ठीक है ना ये आपका क्या बन जाएगा स्विच क्लोज्ड। सो देखो इतने ही सिंबल्स आपको याद करने हैं, इन सिंबल्स को अच्छे से याद कर लो क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है आपको चैप्टर समझने के लिए है ना, इनकी मदद से आप इजीली जो सर्किट डायग्राम्स हैं उनको समझ सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, थैंक यू।